अरे ये क्या चीज है? बाप को चीज बोलता है, शर्म नहीं आती है? तुम क्या मुसीबत है यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। तो यहाँ काहे के लिए चले आए? हर रात बिस्तर पे जहाँ मुझे हैरान करने चले आते हो वहीं चले आना था ना। वहाँ तो बड़े भयानक खर्राटे ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अरे मगर तुमको फ्रिज में सर्दी नहीं लगती है क्या? गधे, ससुराल के बावर्ची, मरने वाला फ्रिज पे बैठा हो या चूल्हे पे लेटा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है, क्या है? मुझे ऊपर तेरी माँ मिली थी। मेरी माँ मिली थी? क्या बोली मेरी माँ? क्या बोली मेरी माँ? उछल मत, पहले पूरी कहानी सुन ले। क्या है? उसको जब पता चला कि तेरी ये हालत है तो वो बहुत रोने लगी। कहने लगी मैं अपने बच्चे की हालत सुधारने की भगवान से प्रार्थना करूंगी, उसकी हालत जरूर सुधर जाएगी। अरे वाह, मेरी माँ मरने के बाद भी मेरे लिए चिंता करती है। ये मेरी माँ को मेरा नमस्कार बोलना। मैं कोई नमस्कार नमस्कार नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं उससे बात नहीं करता, वो बात बात पे मुझे डांटती है, इसलिए मैं भाग के नीचे आ जाता हूँ। मैं तो ये बाप है, अगर बाप ऐसे डिजाइन का को तो बेटा कैसे होगा? खामोश। अजय सुनते हो? माँ क्या हुआ? तुम्हारी बहू आ गई। तो डरता क्यों है? अरे मगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे कैसे? बिजली के वायर में घुसकर, बल्ब में से निकलकर तस्वीर के फ्रेम में घुस जाऊंगा। क्या फेंकते हो यार? मैं वो मैं यहाँ फ्रिज में हूँ, नहीं बावर्ची खाने में हूँ। गजब हो गया। वो तो रोज होता है, क्या हुआ? अरे तुम्हारा बाप फिर तस्वीर में नहीं है। वो फ्रिज में? क्या? नहीं मेरा मतलब वैसा होता है ना जैसे बम्बई में, नहीं बिजली आती जाती रहती है। हाँ। तो मेरा बाप भी फोटो में से आता जाता रहता है। अरे पर मैं कह रही हूँ वो नहीं है। अरे है यार। और नहीं हुआ तो? कभी हुआ तो? तो चलो चलो तुम पीछे चलो, मैं आगे आता हूँ। नहीं नहीं मेरा मतलब आगे चलता हूँ, पीछे मेरे मालूम है। तुम भी अनशन बकते हो। क्या हो गया तुम्हें विजय के बापू? घर की लगाम हाथ से छुटती चली जा रही है और तुम यहाँ बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो। अरे वाह रे वाह, ये लो पकड़ो डंडा और दो चार जमा कर निकाल बाहर करो उस कमीनी को। भाई तुम तो इस काम में चैंपियन हो, तुम क्यों नहीं कर लेती ये काम? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बहू पर हाथ उठाऊं तो कुछ अच्छा नहीं लगता, लड़की जात है ना, इसीलिए चुपचाप बैठा हुआ हूं। मगर तुम तो औरत हो, औरत औरत पर डंडे बरसाए तो ना तो समाज छूट कहेगा ना ही कानून कहेगा। ठीक है ठीक है, तुम यहाँ चूड़ियाँ पहने बैठे रहो, उसका दिमाग तो मैं ठिकाने पर लगाती हूँ। क्या समझती है हम लोगों को? माँ जी आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, डंडेबाजी तो होती रहेगी, पहले बैठकर सुकून से खाना तो खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी खाना। आप खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल नहीं। और आप पिताजी? ये भी नहीं खाएंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ पिताजी। ये नहीं खाएंगे मैंने कह दिया ना, इस घर का कोई भी आदमी तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगा, समझी? वाह, जिस घर के बड़े बूढ़े अनाज को ठोकर मारते हो उस घर के बच्चों को सुख कहां से नसीब होगा? मां ये वो अनाज है जिसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, नहीं मिलता तो चोरी करता है, डाके तक डालता है सिर्फ इसके लिए। यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और आज तुमने भगवान की इस दौलत को ठोकर मारी। ये ठोकर एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मां, बहुत महंगी। आप रहने दीजिए, मैं साफ करती हूं। छोड़िए ना, मैं उठाती हूं। अरे शर्म करो शर्म करो, मेरे बाप ने नहीं खाया, मेरी माँ ने नहीं खाया, यहाँ तक कि मैंने नहीं खाया, और तुम होके जो भूखे भिखारी की तरह गपागप गपागप खाए जा रहे हो।
वो ना खाएं तो मुझे क्या करना है? उन्होंने तो बहु हड़ताल कर रखी है। बहु हड़ताल? हाँ, जैसे फैक्ट्री में मजदूर पगार के लिए हड़ताल करते हैं, पब्लिक पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हड़ताल करती है, वैसे तुम्हारे माँ बाप ने अपने बहू के खिलाफ हड़ताल की है। मैंने थोड़ी की है, मैंने तो उस खाने के लिए अपने माँ बाप से हड़ताल की, तुम्हारे घर में चलाया। इस खाने के लिए मैं तुम्हारे माँ बाप की जूतियाँ खाता हूँ तो क्या नहीं खाऊंगा? मैं तो खाऊंगा। एक बार बोलूं, शराफत से चुपके से आके तुम भी खाना खा लो, बहुत मजेदार खाना है। बोलो, खाती हो? हाय हाय, बड़ा बेशरम आदमी है। अरे क्या करती हो, बुढ़ा आदमी अपने बाप को बेशरम बोलती हो? अरे मैं तुमको कह रही हूँ, तुमको वो चले, वो तो मैं रोज सुनता हूँ। अभी भी चांस है, खा लो, बहुत टेस्टी खाना, कसम से बोलता हूँ, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। अरे जाओ, मैं तुम्हारी तरह खाने के लिए मरती नहीं हूँ। और ऊपर से वो डायन के हाथ का बना हुआ खाना मैं जिंदगी भर तक ना खाऊं। मत खाओ, जाओ जहन्नम में। क्या कहा? नहीं नहीं, मन में कुछ ख्यालात की डकार थी ना, तो निकल गई। तो ठीक है, बबलू कहाँ है? कौन बबलू? अरे बेशरम, तुम्हारा बेटा। मेरा कौन सा बेटा? हाँ, अपना बबलू। वो और कहाँ होगा, अपने मामा मम्मी के साथ होगा। अच्छा, क्या मुसीबत है यार। आओ खाना खाने, अभी थोड़ा ही बचा, उसमें तुम कहाँ से खाओगे, मैं अकेले खा लेता हूँ, तुम जाओ। डालिंग, अरे आप भाई, जहां आप जैसे फूल हो वहां हम तो पहुंचेंगे ना। ओ कम ऑन प्रिंस, इनसे मिलिए। ये है मेरे मंगेतर मिस्टर विजय, और विजय ये है हमारे दोस्त पाल घाट के शहजादे। हाउ डू यू डू मिस्टर विजय? वैसे आप आए कैसे? कमाल करती हो भाई, सुबह तुमने हमें फोन किया कि रात को तुम होटल पहुंच रही हो, बस तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पे आंखें बिछाए हम बैठे रहे कि कब ये तुम्हारा हसीन चेहरा नजर आए, मगर नहीं, तुम नहीं आई, इसलिए हम खुद यहाँ चले आए। जाने मन, oh, I'm sorry. मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। ऑब्वियसली आपने तो अपना मंगे तो ढूंढ लिया, इसलिए हमें तो भूल ही जाएंगी ना। नहीं नहीं राजकुमार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या ख्याल है, चले? एक मिनट विजय डार्लिंग, मैं इनके साथ जा रही हूँ, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, तुम खाना खाकर सो जाना। ओके बाय मिस्टर विजय, नाइस टू सी यू, गुड नाइट। शोर मचा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक ही हो रहा है। हाँ ठीक हो रहा है, कंचन इस घर की बेटी है, उसका भी इस घर में बराबर का हक है, फिर तुम्हारी पत्नी को क्या हक होता है उसको मेहमान कहने का? है? बात तो सीमा ने बिल्कुल ठीक कही है पिताजी, उसूलन जीजा जी और दीदी तो इस घर के मेहमान है ना। बिल्कुल नहीं, कंचन मेरी धन दौलत घर बार और जायदाद की बराबर की हिस्सेदार है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो दीदी को इस घर का सदस्य बनकर रहना होगा और घर के तमाम कामकाज में हाथ बटाना होगा, और जो काम वो जीजा जी से करवाती है ना वो उन्हें खुद करना होगा। क्या तुम्हारा कहने का मतलब कि मैं काम करूं और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे?
जी नहीं कंचन दीदी, आज से बजरंगी भैया वो काम करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आज से घर का काम औरतें करेंगी और बाहर का काम मर्द करेंगे। चलिए जीजा जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज मैं आपको अपने ऑफिस ले जाकर अपने सेठ जी से मिलवाता हूं और आपकी नौकरी की बात पक्की करता हूं। मेरी नौकरी? जी आपकी। अरे वाह, मैं 15 साल में पहली मरतबा बावर्ची खाने से निकल के बाहर की दुनिया में जा रहा हूँ। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाइए, गेट रेडी इन 2 मिनट्स। चलिए चलिए, कब? 2 मिनट कितना होता है मेरे को मालूम नहीं। चलिए ना जीजा जी। मुझे एक कप चाय मिलेगी? एक घंटा पहले ही तो पी थी। उस एक घंटे को गुजरे हुए 5 घंटे हो गए। क्या? ठीक है ठीक है। देखी देखी इस बरसात की कारस्तानी, ये इस घर पे कब्जा करके हम सबको यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। धीरज रखो मालकिन, 10 लाख आने दो, मैं इसकी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। पिताजी मेरा हिस्सा ना भूलिएगा, 2 लाख रुपए। हाँ हाँ हाँ, ये देखो। चल चल नौजवा, चलिए साले साहब मैं तैयार हूं। आया जीजा जी, चलिए कमान। ये क्या है? कपड़े हैं, और क्या है? इन कपड़ों में तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं क्या करूं, मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। एक आपके जो मेरे छोटे पड़ते हैं, इनके बाप के जो मेरे को बड़े पड़ते हैं। और जूते? जूते खाली खाए, कभी पहने नहीं। चलो चलो मैं दिलाता हूँ जूते। अरे दोनों दिलाता हूँ। जाना नहीं, बाय बाय।